सात राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से दो राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी विजय रही है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। वहीं बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियां चारों खाने चित हो गई हैं। रुपौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने चुनाव जीत लिया। वहीं दक्षिण भारत में डीएमके का विजय इस बार उपचुनाव में भी चला है। तमिलनाडु की इकलौती सीट विक्रवंडी पर डीएमके ने शानदार जीत हासिल की। 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने भाजपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ भाजपा को लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, वहीं अब उपचुनाव में मिली बड़ी हार ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। वहीं बंगाल में उपचुनाव में भाजपा के साथ खेला हो गया। इन 3 सीटों पर भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, उसमें भी इस उपचुनाव में गवा दिया। अगर बिहार की बात करें तो यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। रुपौली में तो जेडीयू का जादू चला और ना ही 5 बार की विधायक पीमा भारती और तेजस्वी यादव का। राज्य की इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीट पर बीजेपी के पास थी, वहीं 2 सीट कांग्रेस और 8 पर अन्य का कब्जा था। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और टीएमसी को हुआ है। कांग्रेस ने 13 में से 8 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बंगाल में ममता दीदी ने 2021 की तरह इस बार भी भाजपा के साथ खेला कर दिया। बंगाल में उनकी पार्टी ने राज्य की 4 सीटों पर उपचुनाव जीता है। इसके अलावा पंजाब में भगवत मान अपना मान बचाने में कामयाब रहे। वहीं सबसे बड़ा तगड़ा झटका बिहार की रुपौली पर सभी दलों को लगा है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल को सदन की सीढ़ियां चढ़ने से रोक दिया। बंगाल की राणाघाट, दक्षिण बगदा और रायगंज सीट पर बीजेपी ने 2021 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन अब पार्टी को इन 3 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। बंगाल की 3 सीटों पर बीजेपी विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हुए। बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थाम लिया था। टीएमसी ने इनमें से 2 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया और उनको उपचुनाव में मौका दिया और उन्होंने जीत हासिल की। उपचुनाव में बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में दल बदलने वालों का बुरा हाल हुआ है। हिमाचल की 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे देने और बीजेपी में शामिल होने की वजह से उपचुनाव हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ और पंजाब की जलंधर सीट पर भी दल बदलुओं को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह से बिहार की रुपौली सीट पर 5 बार से विधायक रही बीमा भारती को जनता ने कड़ा सबक सिखाया है। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उपचुनाव में तो उनका और बुरा हाल हुआ है। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए बीमा भारती उपचुनाव में 3रे नंबर पर रहीं।